इंद्री की वाल्मीकि बस्ती में घरेलू विवाद को लेकर पति द्वारा मारपीट की शिकार हुई महिला ने पुलिस में सुनवाई न होने से निराश होकर नहर में छलांग लगा दी। राहगीरों ने समय पर नहर में कूदकर महिला को डूबने से बचा लिया। घायल हुई महिला को प्राथमिक उपचार के बाद करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। इस घटना को लेकर लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर गहरा रोष है। भाई ये घर उसके घर वाले ने इसको छेता भाई, मारा पीटा छेता, ये उस थाने में गई है, कंप्लेंट लिखवाई, कंप्लेंट लिखी नहीं आ किसी ने, पैसे मांगे इससे, फिर ये दुखी होकर बेचारी नदी पे आ गई है, नदी पे आराम से उतरी, नदी में फिर दाई मार गया, हम तीन चार जनों ने इसकी जान बचाई है। ये अभी दो एक घंटे की बात होगी जी, आए थे यहाँ पर नदी पर, हम सारे एक ऊपर खड़े होके देख रहे थे, मखा भाई ये कुत्ते काटे की जी, फिर हम देखा जी ये नदी में नीचे उतर गई, फिर हम पास आ गए, नदी में उतरने के बाद इसने मुंह धोके फिर नीचे नदी में ही अपना दाई मार ली, फिर हम तीन चार जने नदी में उतरे, फिर इसको बाहर निकाल के लाए। ये मटक माजरी की बता रहे जी, वाल्मीकि मोहल्ले में रहा। हांसी की ऑटो मार्केट में अज्ञात युवकों ने एक युवक की अज्ञात कारणों के चलते जमकर धुनाई कर दी। आसपास के लोगों ने पुलिस को डायल 112 पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को हांसी के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में जानकारी देते हुए घायल गुलाब सिंह ने बताया कि वो अपने गाँव हाजमपुर से हांसी ऑटो मार्केट में दुकान पर कटिंग करवाने आया था। पीछे से 10 से 12 अज्ञात युवकों ने उस पर हमला कर दिया और उसे अधमरी हालत में वहां छोड़कर फरार हो गए। इसी बीच किसी ने भी घायल गुलाब सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की, बाद में पुलिस को ही बुलाया गया। जी किस तरह का मामला है, किस तरह घटना घटी इसका? देखो भाई साहब, मामले का तो अब तक हमें पता नहीं है। हमारे पास कंट्रोल से 112 पर फोन आ था, हमारे को इतला मिली, हमें तुरंत अपने इसको मौके पहुंच गए। इसका शायद गुलाब सिंह नाम होगा, इसका किसी स्टूडेंटों की लड़ाई है, क्या मैटर है वो तो, इससे चोट लगी हुई थी, हम हॉस्पिटल में लिया इसको, हमने इतना बेरा है और हमने इसको हॉस्पिटल में पहुँचा दिया, टीके लगवा दिए, इसके परिवार को सूचित कर दिया। तो कौन सी जगह पे थे ये मिला आपको? ये ऑटो मार्केट, ऑटो मार्केट। थैंक यू सर। बाकी इसके बारे में तो आयु आएगा तब तीस करेगा उन्नति मेरा। बाकी झज्जर की अपराध शाखा की टीम ने देशवाल मार्केट में एक दुकान में छापा मार कर करीब 12 से ज्यादा लोगों को जुआ खेलते हुए हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक एक गुप्त सूचना पर ही इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीआईए इंचार्ज सुंदरपाल ने बताया कि दुकान में छापा मारा गया तो वहां पर 13 लोग रंगे हाथों जुआ खेलते हुए पुलिस को मिले। पुलिस ने उसी समय उन्हें दबोच लिया। मौके से पुलिस को 2 लैपटॉप और जुए के करीब 52,000 रुपए की रकम बरामद की। पुलिस ने आरोपियों को मौके पर काबू कर लैपटॉप और जुए में प्रयोग की गई राशि को भी अपने कब्जे में लिया है। सूचना मिली थी कि देशवाल कॉम्प्लेक्स में राजपाल वासी दौड़ लैपटॉप पर जो अपने ऑफिस में जुआ खिलाता है, इस सूचना पर हमने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वहाँ हमने रेड की और रेड में वहाँ 2 लैपटॉप और 13 आदमी और 51,540 रुपये जो बरामद हुए हैं, उसकी आगे की कार्रवाई जो है हम कर रहे हैं, आगे जो बात होगी। गन्नौर में जीटी रोड स्थित HDFC बैंक के ATM से पैसे निकलवाने आए व्यक्ति का ATM बदल कर 63,000 रुपए निकाल कर ठग फरार हो गए। संदिग्धों की तस्वीर ATM में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। ठगी का शिकार हुए पीड़ित व्यक्ति ने जीटी रोड चौकी पुलिस को शिकायत दी है। पीड़ित ने बताया कि वो जीटी रोड स्थित HDFC के ATM से पैसे निकलवाने के लिए आया था। इस दौरान ATM में 3-4 लड़के पहले से मौजूद थे, जिन्होंने पैसे निकालते समय चालाकी से उसका ATM कार्ड बदल दिया, जिसके कुछ देर बाद उसके फोन पर 10,000 रुपए कटने के 4 मैसेज आए और फिर 23,000 रुपए की शॉपिंग करने का भी मैसेज आया। उसके खाते से टोटल 63,000 रुपए कटने का मैसेज आया। पीड़ित ने अब पुलिस को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस बारे में चौकी इंचार्ज ASI अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। और मैं जो है यहाँ HMBS टेक्सटाइल प्राइवेट 484-2 बड़ी इंटेलिजेंस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। आज सुबह 8:30 बजे मैं यहाँ पैसे निकलवाने आया था HDFC ATM में गन्नौर अटैक सोनीपत हरियाणा, और यहाँ मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है 63,000 रुपये की। 3 लोग आए और जो है मेरा ATM कार्ड बदल लिया और मेरे साथ धोखाधड़ी की गई 63,000 रुपये की।
रेवाड़ी में भगवान परशुराम शिक्षा समिति के चुनाव ब्रह्मगढ़ परिसर में संपन्न हो गए। हालांकि चुनाव 17 जुलाई को होने थे, लेकिन चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरा होने के बाद आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। विरोध में एक भी फॉर्म नहीं आने के चलते प्रधान और उपप्रधान समेत कार्यकारिणी के सभी सदस्य निर्विरोध चुने गए। आज नाम वापसी के अंतिम दिन चुनाव अधिकारी सतवीर यादव द्वारा ब्रह्मगढ़ में सभी निर्विरोध चुने गए पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की गई। उसके बाद 5 तारीख को इसकी और 4 तारीख को इसकी छटनी थी। आज जो है विड्रॉल का टाइम है, तो टोटल 10 पोस्ट है, 10 ही लोगों ने फार्म भरे हैं। इस हिसाब से किसी का भी नाम वापस नहीं हुआ, उस बात को मद्देनजर अंदर रखते हुए 10 कैंडिडेट को हम निर्विरोध घोषित करें। प्रधान, उप प्रधान, महासचिव, कोष अध्यक्ष, सह सचिव और 5 कार्यकारी, हाँ इनकी बात घोषणा कर देंगे। वैसे इलेक्शन की डेट है 17 जुलाई की, जो बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो 17 जुलाई के बाद होंगे। बाकी निर्विरोध घोषणा आज कर दी जाएगी 12 बजे के बाद। और फॉर्म उन लोगों ने जो भगवान सॉरी ब्रह्मगढ़ का जो सत्य सटीक बेबार